एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा सातवीं की जो है कौन सा भाई गणित का पूर्णांक 80 के लिए आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक आकलन के लिए। तो बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और किस तरीके से क्वेश्चन आता है उसको समझने की कोशिश करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास 7th की पूरी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है कि सभी प्रश्न जो है हल करना अनिवार्य है, इसका निर्देश है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना है जिसमें सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो पहला प्रश्न देखो क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं, तो इसमें से कौन है जो परिमेय संख्या नहीं है, तो इसकी आंसर हो जाएगी करड़ी 2 जो है। तो जो भी नंबर करड़ी में होते वो परिमेय संख्या आपका नहीं होता। फिर आपका प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, प्रश्न दूसरा की बात करें तो इसमें क्या कर रहा है, समीकरण 3x-5 = -9 में चर राशि है, इसमें चर राशि कौन सा है बोल रहा है। तो चर किसको बोलते हैं, ऐसी राशि जिसमें एक्स की निश्चित मान नहीं होते है, सॉरी जिसकी निश्चित मान नहीं होता। तो यहां पर एक्स जो है क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा। फिर प्रश्न तीसरा, 240 ग्राम को 3 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको जैसे कि यहां पर कौन सा है 240 ग्राम है, तो 240 आपको लिख लेना है। फिर इसके नीचे में आपको किसको लिखना है, 300 किलोग्राम, मतलब 3000 ग्राम इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। तो इसको कट करोगे तो फिर आपके पास आंसर जो है आते जाएगा, तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सत्य सत्य बताना है, व्यंजक 7-3x में x का गुणांक 3 है तो उसका असत्य, क्योंकि x का गुणांक कितना है, -3 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य, लिख के आना है। फिर 18/27 का सरलतम रूप है बोल रहा है, तो 18/27 का सरलतम रूप आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, इसको 18 है और कौन सा है 27, इसको कट करना पड़ेगा सेम पहाड़ा से। तो 3×6=18 और 3×9 होता है 27, अभी भी कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे कटेंगे, 2×3 = 6 और 3×3=9, तो यहाँ पर 2/3 इसकी जो भी मतलब ब इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न छठा बोल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बात करिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो समबाहु त्रिभुज है मतलब हर एक कोण भुजा उसकी बराबर है, मतलब उसके बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होगा, मतलब हर एक कोण कितना होगा, 60-60 अंश का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। फिर इसमें जो 4 अंक के लिए प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि त्रिभुज MNP की बनाना है जिसमें कोण एन जो है समकोण है, मतलब एंगल एन की वैल्यू जो है आपको 90 अंश लेके बनाना पड़ेगा। फिर MN रेखा दिया है और NO जो है दिया है 8 सेंटीमीटर का, तो इसको आपको करके देखना होगा। उसी तरीके से प्रश्न 8वां इस तरीके से पूछे जाएंगे, सौरभ साला में सीधे सड़क से 9/3 किलोमीटर की दूरी से बस से तय करता है, उसके बाद 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताना है इसको। तो संख्या रेखा पर दर्शाना है, जैसे कि 9/3 को और 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, सिंपल है, बहुत ईजी, इसको आप लोग कर सकते हो, संख्या रेखा पर आपको बस दर्शाने आना चाहिए। अगला, अब व्यंजक इतना में व्यंजक को समझाना है तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस तरीके से आएंगे आपके। फिर अगला प्रश्न देखो क्या बोला जा रहा है, 10वां में एक आयताकार पार का 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, इसके अंदर चारों तरफ 6 मीटर चौड़ा रास्ता जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा, तो उससे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र करना पड़ेगा, उसके अंदर बाहर का निकालना पड़ेगा, फिर आप आराम से इसको कर पाओगे। यहाँ में देखो ये वाली इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे 11वां में, 5x-2x-4+7x-3 और ब्रैकेट में 3+2x है, तो उसको कैसा करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट को 1/1 हल करोगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये दोनों को जैसे 3 और है तो इसका गुणा करोगे, पीछे से हल करते करते जाना है, जो जुड़ेगा उसको जोड़ोगे, घटेगा उसको घटाना है, इसी तरीके से वो फिर आपका बनता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पर, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे। अब सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि सैंपल इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपका आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। समीकरण को सरल करना है तो समीकरण सरल करने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो फिर बन जाएगा। और बच्चों अगर आप लोगों को क्लास 7 की मतलब कक्षा 7वीं की पूरे गणित का हल चाहिए बोर्ड पर हर एक पार्ट का, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे,
हम लोग जरूर आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोगों की तैयारी करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरण भी देंगे भाई, जो कि 6 नंबर में पूछे जाएंगे आपको कि, तो समीकरण हल करने के लिए 3 का x के साथ गुणा करना पड़ेगा, उसी तरह इस 5 का दोनों के साथ गुणा करोगे तो आ जाएगा। तो इन प्रश्नों को करके ज़रूर देखेंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कुछ कुछ इसमें से आ सकते हैं, तो इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करके चले जाइए ताकि आपको अच्छा सा मार्क्स अचीव कर पाओ। और ये वीडियो इसलिए बनाया गया सिर्फ और सिर्फ आपको एक तैयारी के लिए कि एक आइडिया मिल पाए, एक मतलब रूट मिल जाए कि आप इस तरीके से तैयारी करें। ठीक है, हमें पता है कि कैसे होती छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाई, तो हम जानते हैं कि लेवल कैसा, इसलिए एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।